मॉनसून का असर ना सिर्फ मुंबई जैसे राज्य पर पड़ रहा है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी नजर आ रही है। यहां बात हो रही है यूपी के श्रावस्ती जिले की, जहां भारी बारिश के बाद पूरा श्रावस्ती जलमग्न है, बाढ़ का कहर देखने को मिला है, ऊंची ऊंची लहरें हैं। श्रावस्ती का ये खौफनाक वीडियो देखकर तो लग रहा है कि वहां पर रह रहे लोगों का क्या हाल होगा। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। श्रावस्ती वासियों का तो कलेजा सूख गया होगा जब ऐसा नजारा उन्होंने खुद देखा होगा। ये वीडियो श्रावस्ती के राप्ती नदी का है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद राप्ती नदी उफान पर है। राप्ती बैराज पर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर पहुंचा हुआ है। बाढ़ के मद्देनजर पास के गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इलाकों में राहत एवं बचाव चौकियों का मुस्तैद भी किया गया है। दरअसल बुधवार को पीलीभीत व लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री राहत कैंपों में भी गए और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें राहत पैकेट भी वितरित किए। श्रावस्ती पहुंचे सीएम ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत सामग्री बांटी। करीब 10 परिवार जो विस्थापित हुए हैं उन्हें प्रशासन सीएम के प्रोग्राम में लाया गया। इन सभी से मिलकर सीएम ने उन्हें आटा चावल तेल साबुन और हर जरूरी सामग्री बांटी और उन्हें भरोसा दिया कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। इसके अलावा सीएम ने मोहनपुर मर्था के रेखा कुमारी और राम उजागर समेत पीएसी के उन 5 जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर गांव में फंसे 11 लोगों को बचा लिया है। इस कार्यक्रम में सीएम ने 4 ऐसे परिजनों को 4-4 लाख का चेक भी सौंपा है जिन्होंने बाढ़ के पानी में अपने परिजनों को खोया है। इस कार्यक्रम में सीएम ने पीड़ितों को संबोधित करते हुए उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। तो फिलहाल के लिए श्रावस्ती फ्लड खबर को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर बाढ़ आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद श्रावस्ती पहुंचे और वहां पर उन्होंने संबोधित किया और बाढ़ पीड़ितों की मदद भी की। क्या कुछ किया है एक बार आप पूरी खबर पर नजर डालिए। आपको क्या लगता है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। Thank you.